महाभारत द्वापर युग का सबसे भयंकर युद्ध था। आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था महाभारत युद्ध। यहाँ सभी योद्धा एक से बढ़कर एक थे। सभी योद्धा की अपनी अपनी विशेषता थी, कोई किसी से कम नहीं था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। पांडव धर्म की रक्षा कर रहे थे, इसलिए उनके साथ श्री कृष्ण थे। कौरव पक्ष अधर्म के लिए लड़ रहे थे, इसलिए युद्ध में उसकी हार हुई। इस युद्ध में ऐसा भी एक योद्धा था जिसे दलबदलू योद्धा कहा गया। उसका नाम था युयुत्सु। वह कौरव भाइयों में से एक था, परंतु वह गांधारी का पुत्र नहीं था, वह उसके दासी का पुत्र था, इसलिए सभी कौरव भाई उसका उपहास किया करते थे। युयुत्सु धर्म का पक्षधर था, इसलिए युद्ध आरंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर ने कहा, युद्ध शुरू होने वाली है, यदि कोई योद्धा धर्म की रक्षा करना चाहता है, न्याय का साथ देना चाहता है, तो पांडव पक्ष में शामिल हो सकता है। यह सुनकर युयुत्सु कौरव पक्ष छोड़कर पांडव पक्ष में शामिल हो गया, इसलिए उसे दलबदलु योद्धा भी कहा जाता है। वह युद्ध के बाद भी जीवित बचा हुआ था। युयुत्सु दुर्योधन का सौतेला भाई था। सौतेला सौतेला ही होता है। अथ श्री महाभारत कथा।